पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली का पार्थिव शरीर बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रख दिया गया है। वहां गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी नेताओं और लोगों ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। जेटली का दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 9 अगस्त से दिल्ली के एम्स में भर्ती अरुण जेटली का कल निधन हो गया था। और हमारे साथ अमित पांडे बीजेपी ऑफिस से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, जो पार्थिव शरीर है बीजेपी दफ्तर पहुंच चुका है, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? लोगों का क्या कहना है आज इस दिन को लेकर? देखिए, लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनके उन पार्थिव शरीर के दर्शन करने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये एक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए हैं। हमने दिल्ली से देखा और हरियाणा से देखा, लेकिन मध्य प्रदेश से आए। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व थे, हम सबके मार्गदर्शक थे, इसलिए हमारी आस्था थी, इसलिए हम यहाँ टीकमगढ़ से यहाँ आए हैं। बिल्कुल, हर कोई अपनी यादें साझा कर रहा है। अमित, यहाँ जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और बीजेपी नेता विजय गोयल इनके साथ हैं। जावेद, किस तरह की यादें साझा कर रहे हैं गोयल साहब? देखिए, तमाम बड़े लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे, विजय गोयल भी उनमें से एक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, दिल्ली का भी बड़ा नाम था और देश का बड़ा नाम, खासतौर से दिल्ली से एक लगाव रहा है, दिल्ली से छात्र राजनीति से शुरुआत की और अभी तक, किस तरह से आप याद कर रहे हैं? देखिए, मेरे लिए तो वो मेरे मित्र थे। मैंने एक मित्र को खोया है, साथी को खोया है, मार्गदर्शक को खोया है। 48 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। श्रीराम कॉलेज के यूनियन में वो प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी था। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में पहले वो प्रेसिडेंट बने, फिर मैं प्रेसिडेंट बना। एमरजेंसी के अंदर वो जेल गए थे, मैं भी सत्याग्रह करके जेल गया। अटल जी की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, दोनों में हम लोग मंत्री थे, तो हमारा बड़ा नज़दीकी के साथ संबंध था और मुझे एक एक पल उनके साथ बिताए हुए याद आते हैं। कार्यकर्ताओं को उपलब्ध थे, दिल्ली में उनको विशेष रूप से लगाव था, दिल्ली के बारे में पूरी उनके पास जानकारियां थी। वो एक विकसित दिल्ली को देखना चाहते थे। वो इस बात से बहुत दुखी थे जब अरविंद केजरीवाल जी ने उन पर आरोप लगाया, तो बाद में उन्होंने माफी मांगी तो उनको माफ भी कर दिया उन्होंने। बड़े हृदय के आदमी थे जी। तो अरुण जेटली जी सरकार पे जब भी कोई समस्या आती थी उसको समाधान करने में सबसे आगे आते थे, चाहे वो अटल जी की सरकार थी या मोदी जी की सरकार थी। पर्सनल मोमेंट कुछ याद हो, क्योंकि आप बता रहे हैं बहुत लगाव रहा, कुछ और ऐसे पहलू लोग उनकी शख्सियत के? वो तो हम हमारे टू व्हीलर के पीछे बैठ के घूमते थे कैंपस के अंदर जब हम स्टूडेंट्स यूनियन लीडर थे, और उसके बाद मेरा घर क्योंकि कैंपस के पास था तो अक्सर वो आया करते थे। डूसू यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस वहीं से कंडक्ट किए जाते थे, तो अब उनको परांठे खाने का बहुत शौक था। हमारी हवेली पे जब आते थे तो कहते थे आऊंगा तब जब आप परांठे खिलाओगे। उनको क्रिकेट का बहुत शौक था और DDCA के प्रेसिडेंट भी थे, पर वैसे भी स्कोर उनके उंगलियों के ऊपर था। तो अरुण जेटली जी के साथ मेरे बहुत अनुभव हैं। सबसे बड़ी बात है, जब इमरजेंसी लगी तो सबसे पहला जुलूस हमने अरुण जेटली जी के नेतृत्व में कैंपस में निकाला था। वो गिरफ्तार हो गए थे, हम लोग सत्याग्रह करके बाद में जेल। आखिरी मुलाकात कब हुई, कुछ किस तरह से मिले आखिरी मुलाकात? नहीं, आखिरी तो मुलाकात मेरी अस्पताल में हुई थी। अच्छा। एक बार मेरे बड़ा भावुक हो गया, उन्होंने मुझे कहा भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, एक स्वास्थ्य नहीं दिया, थोड़ा स्वास्थ्य और देते तो मैं समझता हूँ देश की और अच्छी वो सेवा करते हैं। देश और पार्टी? नहीं, क्षति है। प्रॉमिसिंग, टैलेंटेड ओरिएटर, प्रेजेंटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, जहाँ भी वो रहे उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। तो विजय गोयल जो कि बता रहे हैं कि छात्र राजनीति से लेकर दिल्ली में मेनस्ट्रीम राजनीति तक उन्होंने उनके साथ काम किया और तमाम जो पर्सनल मूवमेंट्स थे वो याद कर रहे हैं। इस वक्त हम जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, वहां पर हम मौजूद हैं। यहां पर भी और आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरह से लोग यहां पर इकट्ठा है आने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं, जो बड़ा बनाती हैं। देखिए, रमन सिंह यहां हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। यहां पर रमन सिंह कुछ कह रहे हैं। हम सब
छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। आज उनके अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन करने हम लोग आए। सर कितना बड़ा नुकसान है सर पार्टी के लिए, देश के? पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे देश के और देश के राजनीति क्षेत्र में काम करने वालों के सबके लिए नुकसान। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो कि अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है, आखिरी दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पार्टी मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा है और जो वक्त मुकर्रर किया गया है 1 बजे तक वो रखा रहेगा और उसके बाद वो वहाँ से निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए। बिल्कुल जावेद, और हम देख सकते हैं हर खासोआम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं, और अमित पांडे हमारे सहयोगी भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की लाइन लगी हुई है। अमित, आप जिनसे बात कर रहे हैं, क्या दिल के भाव उनके हैं आज जो अरुण जेटली की याद में वो आपसे साझा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं और लगातार वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के स्वरूप थे। अरुण जेटली के एक वकील थे, राजनेता थे, मैनेजर थे, दिल्ली से खासा लगाव था। अलग अलग देश के हिस्से से लोग आ रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, नोएडा से हूँ, मैं अमिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ा। ये बताइए, आपने कभी उनकी वर्कशॉप या कुछ अपना इंटरेक्शन अटेंड किया था? मेरा वैसे व्यक्तिगत तौर पे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जहाँ तक टीवी और वीडियो में देखा है, वीडियो कवरेजेस में देखा कि वो एक अलग ही टाइप के प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और उनकी जो कमी है वो बीजेपी के लिए बहुत भारी होगी। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। कभी उनकी मीटिंग वगैरह अटेंड की थी आपने? मीटिंग तो हम नहीं अटेंड किए थे, लेकिन हम उनकी राजनीति से बहुत प्रभावित थे। क्या क्या खास बात थी? जेटली जी भारत की राजनीति में एक स्तंभ थे। उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया है उसकी भरपाई कर पाना देश को बहुत मुश्किल होगा। आप बताइए। हम मेरठ से आए हैं और अधिवक्ता हैं, हमारे सीनियर अधिवक्ता थे और इस देश के लिए उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। कभी आपने उनके साथ कोई इंटरेक्शन अटेंड किया था? एक दो बार हमारा कोर्ट में मिलना हुआ है उनसे, क्योंकि हम काफ़ी जूनियर हैं उनसे। तो एक बार उस वाक्य के बारे में बताइए। काफ़ी उनसे मिलने के बाद ये लगता ही नहीं था कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। वो बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और उनका जाना इस देश को बहुत बड़ी क्षति है। ये बताइए कि क्या सबसे खास बात थी उनकी जो आप उनसे प्रभावित थे? वो एक अच्छे अर्थशास्त्री, अच्छे कानून के विशेषज्ञ थे और राजनीति में तो उन्हें एक तरह से समझो कि गुरु थे राजनीतिज्ञ। आप बताइए, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन थे वो। कहाँ से आए आप कहाँ? पानीपत, हरियाणा से। कभी आपने उनकी मीटिंग? मैं उनको देश हुए जब प्रेसिडेंट थे 74 में, तब से उनको जानता हूँ। बताइए कुछ हमारे दर्शकों को उस वाक्य के बारे में बताइए कुछ। मैं तो अभी भी जब वाजपेयी जी के वो श्रद्धांजलि सभा थी वहाँ भी उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन हुआ है। वहाँ भी उनका जो उन्होंने बोला है, उनके तो सारे भाषण, सारे वो उनके जो इंडिया में जिसको इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन कहते हैं ना, वो जेटली जी थे। प्रशांत देखिए, बहुत अलग चीज़ है। यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, यहाँ पर संगठन से जुड़े लोग हैं और विशेषज्ञता अरुण जेटली की विशेषज्ञता स्पेशलिटी उनकी यही थी कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे हम जो भी सिचुएशन आए, जो भी परिस्थिति आए, उस हिसाब से उस वक्त क्या रणनीति बनाई जाए, ये अरुण जेटली की ये खासियत थी। और इसीलिए अगर हम अब भी देखें कि जो जितनी भी महत्वपूर्ण कमेटी थी बीजेपी की, अभी भी कुछ महीनों पहले तक अरुण जेटली का नाम उसमें प्रमुखता से था, तो ये उनकी कार्यकुशलता ही थी जिस वजह से हमेशा उन्होंने अपने जिस भी क्षेत्र में रहे अहम स्थान पाया। और ये खासियत अरुण जेटली की है जो लोग यादें साझा कर रहे हैं। जावेद, आपकी बात जिन जिन लोगों से हो रही है जो श्रद्धांजलि देने आए हैं, कैसे याद कर रहे हैं आज वो अरुण जेटली को? देखिए, सब लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे जो मुख्य प्रवेश द्वार है बीजेपी दफ्तर का, लगातार लोग आ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली से उनका लगातार जुड़ाव रहा है। दिल्ली के भी कुछ लोग ऐसे जिन्हें हम पहचानते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स में वो सक्रिय हैं। विपिन बिहारी हैं जो कि रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। विपिन जी, दिल्ली से खासतौर से जुड़ा रहा है, दिल्ली से बिलोंग भी वो करते हैं, आप लोग किस तरह से याद कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश के सबसे कद्दावर नेता अरुण जेटली जी, जिनका हम लोग दिल्ली के कार्यकर्ता है, दिल्ली से हम लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ हम बहुत बड़ी
और ये वो तस्वीरें जब नम आंखों से अरुण जेटली को अंतिम विदाई दी जा रही है। बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है 1 बजे तक और उसके बाद निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। कल दिल्ली के एम्स में भर्ती अरुण जेटली का दोपहर 12:07 पर निधन हो गया था। लेकिन अरुण जेटली की एक ऐसी शख्सियत थी जो ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि राष्ट्रीय सियासत में एक अलग मकाम रखती थी और खासतौर पर बीजेपी के लिए वो एक ढाल और तलवार के तौर पर साथ साथ काम करते थे। बोफोर्स से लेकर राफेल तक जब हमला करना होता था विपक्ष पर तो एक अचूक वार अरुण जेटली की ओर से होता था, लेकिन जब बचाव करना होता था तो पार्टी की सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आते थे। कुछ ऐसे ही तर्क के साथ उनके अहम भाषण जो लोगों को हमेशा याद रहेंगे, उसका अंश आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी का जो प्रेसिडेंट हॉलैंड के साथ बैठक हुई और उसमें जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ, उस प्रेस स्टेटमेंट में था कि हम लोग राफेल इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत खरीदेंगे। यूपीए के जमाने में टर्म और कंडीशन थी, उससे बेहतर टर्म और कंडीशन पे करेंगे। ये कहा गया कि प्रोसेस क्या था, ये प्रोसेस था कि इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी और जो डिफेंस के लोग हैं, इसमें अधिकतर एयरफोर्स के अधिकारी होते हैं, कि किस तरह के एवियोनिक्स और किस तरह की वेपनरी चाहिए वो तय करने के लिए उनकी 74 मीटिंग्स हुई हैं। ये 74 मीटिंग्स का रिकॉर्ड और उसकी डिटेल सरकार ने ये जो नोट दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रिकॉर्डेड है कि 74 मीटिंगें हुई है। इन 74 मीटिंग्स के बाद जब समझौता फाइनलाइज हो गया तो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, रक्षा मंत्री के पास जाता है और मंजूरी देने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे आता है। सारी प्रक्रिया पारित होने के बाद सरकार 2016 में डसॉल्ट के साथ अपना समझौता तय करती है। इस प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, किसी माननीय सदस्य के पास ये अधिकार नहीं है कि यहां खड़ा होकर कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हाथ में है। प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने प्रोसेस एग्जामिन कर लिया है, हम सेटिस्फाइड है कि सारा प्रोसेस पूरी तरह से उसका पालन। दूसरा विषय और मैं एक बार समझा दूं कि कृपया करके अपने दल की और उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में जिस पद पे हैं उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा को मद्देनजर रखिए। ये 500 और 1600 की तुलना क्या है, ये दाम नहीं थे। दाम कैसे दिए जाते हैं, एक दाम होता है बेयर एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट जो मैंने कहा केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वेपन नहीं होता। दूसरा दाम होता है वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का जिसपे पूरे वेपन फिट होते हैं। 2007 में एक ऑफर आई, वो 2007 की ऑफर में दोनों तरह के दाम थे और रक्षा मंत्री ने ठीक कहा कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम हमने बता दिया है लेकिन वेपनाइज का हम दाम बताएंगे तो दुश्मन को भी पता चल जाता है कि आपके पास किस तरह के वेपन हैं और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का भी उल्लंघन करेंगे। और इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक विषय याद रखा जाए कि प्राइस फर्म नहीं होता, 2007 का भी फर्म नहीं था, उसमें एस्केलेशन क्लॉज था, हर साल इतना दाम बढ़ेगा, वो एस्केलेशन क्लॉज था। उसके बाद जब दोबारा बातचीत हुई तो दोबारा बातचीत के बाद दोबारा से बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत और उसके साथ साथ वेपनरी की कीमत और वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट की कीमत, ये दोनों की दोनों पे सरकार ने तय किया और इस पे समझौता हुआ। और ये वो तर्क थे जो लगातार विरोधियों को खामोश करने के लिए काम आते थे अरुण जेटली के। लेकिन आज वो अपने अंतिम सफर पर बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। विक्रांत, लगातार लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, जो लोग आपके नजदीक हैं आसपास हैं वो कैसे याद कर रहे हैं अरुण जेटली को?
देखिए प्रशांत, जिस समय हम जिस जगह हम बीजेपी दफ्तर में हम लोगों को खड़ा किया गया है, ये मीडिया इंक्लोजर रखा हुआ है उस जगह का जहां से लोग जो वीआईपी एंट्री हो रही है उन लोगों के लिए जो एंट्री बनी हुई है, और बकायदा यहां क्योंकि मीडिया इंक्लोजर बना हुआ है तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, आपको एक जगह सीमित किया गया है ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी मैं अंदर होकर के आया था तो वहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर बैठे हुए थे, जेटली जी के परिवार के लोग वहां पर बैठे हुए थे। इस समय बाबा रामदेव आप देख सकते हैं कि निकल रहे हैं, बाबा रामदेव अंदर बैठे हुए थे नितिन गडकरी के साथ, इस समय बाबा रामदेव हैं और बाबा रामदेव काफ़ी देर तक वहां पर बैठे और बीजेपी अध्यक्ष से उन्होंने बात की, इसके अलावा अपने परिवार के लोगों से बातचीत की और तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी लोग जो आम लोग हैं उनकी भी एक लाइन लगी हुई है और वो लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी और वो दर्शन करेंगे, क्योंकि अरुण जेटली का दिल्ली में देहांत हुआ और दिल्ली की राजनीति में उनका एक लंबा योगदान रहा। इस समय हम कोशिश करेंगे कि बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुना सके। इस समय बैठ मैडम बैठ और शुरू करो, शांत शांत बैठ। अरुण जी के जाने से देश का, सरकार का, पार्टी का, सबका नुकसान हुआ है और उसमें हमारा सबका पारिवारिक नुकसान भी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते समय जब जब भी समस्याएं पैदा होती थी, अड़चने आती थी तो अध्यक्ष करके मेरा अनुभव था कि पहला फोन उनका आता था और हर क्राइसिस को सुलझाने के लिए वो बहुत पॉजिटिव मदद करते थे। वो प्रखर वक्ता भी थे और हर चीज को एनालिसिस करके उसका किस प्रकार से निर्णय करना, इसमें उनका एक बहुत ही प्रभुत्व था। पार्टी के विचारधारा से कटिबद्धता थी और निर्णयों के बारे में स्पष्टता थी। राज्यसभा में उन्होंने किए हुए भाषण एक वैचारिक चिंतन के रूप में हमें प्रेरणा देते रहेंगे। उनका कार्य, कर्तृत्व, नेतृत्व, पूरा देश उससे परिचित था और अब एक आधार, सरकार के रूप में भी वो बहुत बड़ा आधार थे, पार्टी के लिए भी आधार थे, हम सब के लिए आधार थे। उनके जाने के एक डेढ़ महीने पहले उनके घर पर मैं जाकर काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई और उनके स्वास्थ्य के स्थिति में भी उनको देश की चिंता थी, पार्टी की चिंता थी, सरकार का अच्छा काम हो ये उनकी चिंता थी। हमारा सबका आधार उनके जाने से निकल गया है। उनके जैसा प्रखर बुद्धिमत्ता रखने वाला और पार्टी को भी कटिबद्धता के साथ सतत मार्गदर्शन करने वाला ऐसा ज्येष्ठ साथी हमारे बीच में से चला गया है। बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये आघात सहन करने की ताकत उनके परिवार को भी दे और अरुण जी के आत्मा को शांति दे। आदरणीय जेटली साहब जैसे महापुरुष आदरणीय जेटली साहब जैसे महापुरुष युगों के बाद आया करते हैं। भगवान ने उनको एक अप्रतिम प्रतिभा के साथ घड़ा। उनका वैयक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनमें एक राष्ट्रीय नहीं वैश्विक नेतृत्व का सामर्थ्य है और सब विषयों की इतनी गहरी समझ, उतनी गहरी संवेदना और उतना ही गहरा आत्मविश्वास। शरीर यात्रा पूरे होने से लगभग डेढ़ महीने पहले मैं उनसे मिला तो उनके हौसले इतने बुलंद थे कि मानो आज उनका हमारे बीच से जाना वो अभी भी एक अविश्वसनीय सत्य जैसा लग रहा है। वो एक तरह से हम सबको अनाथ सा करके चले गए। मेरा वैयक्तिक तौर पर भी उनसे
जो एक आत्मीय लगाव था तो मैंने हमेशा उनको देखा, जैसे कि गडकरी साहब ने बोला अपने बारे में कभी वो सोचते ही नहीं थे, और इतनी ऊंची सोच, इतना ऊंचा चरित्र, ऐसे एक महामानव का प्रयाण देश की, देश की राजनीति की, और मात्र एक बीजेपी की नहीं, इस राष्ट्र की एक बहुत बड़ी धरोहर का हमारे बीच से जाना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख और संवेदना का वक्त है, और उनके परिवार के लिए तो ऐसे दुखों का पहाड़ टूटा है। भगवान उस पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, और हम उनको युगों युगों तक उनके कार्यों के लिए, उनके व्यक्तित्व, चरित्र, कर्तृत्व के लिए याद करते रहेंगे, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये थे बाबा रामदेव और नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ से अभी बाहर निकले, मीडिया से उन्होंने बात की और ये बताया कि किस तरीके से उनके अनुभव रहे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के साथ। प्रशांत, बिल्कुल, और विक्रांत, बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, और अमित पांडे हमारे सहयोगी इसी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। अमित, जहां आप खड़े हैं, एक लंबी कतार हम लोगों की देख पा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, अपनी बारी का वो इंतजार कर रहे हैं, किस किस तरह की यादें हैं जो आपके साथ वो साझा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है यहाँ पर, लगातार ये लाइन इसी तरीके से ये लाइन लगातार जारी है और लोगों का आना जानी है। हम एक यहाँ पर उनके सहयोग, कहाँ से आए सर? मैं हरीश चंद्र, भाजपा नेता, आदमपुर दुआबा, जलंधर, पंजाब से हूँ। हाँ। अमृतसर के साथ, अमृतसर में जब उन्होंने इलेक्शन लड़े मैं उनके साथ काम किया, पहले भी उनके साथ मैंने काम किया है। उनका काम करने का अलग ही एक तरीका था, और जब आदमपुर के एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, एक छोटे से गांव में एयरपोर्ट बना देना, ये भारतीय जनता पार्टी जेटली जी और इनकी। अमृतसर जब वो आए थे वहां पर, तब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे, तो उस वक्त पहला लोकसभा चुनाव वो लड़े थे, बतौर जन नेता आपका क्या अनुभव है? देखिए, उनके काम करने का तरीका लगता, उनका बोलने का तरीका लगता, उनका कार्यकर्ताओं से बात करने का एक अलग ही तरीका था। वो बड़े प्यार से बात करते थे, ऐसे हमसे बात करते जैसे हमारे बड़े भाई हमसे बात कर रहे हैं। वो हमारे बड़े नेता थे। आज जो क्षति हुई है, मुझे देशों विदेशों से, कनाडा से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मन से, इटली से, अलग अलग देशों से फोन आ रहे हैं, और शोक संदेश में पूरा देश में डूबा हुआ है। आप पर लोग हैं, और लोगों से हम बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बाहरी दिल्ली से, कंजौला मंडल से आए हुए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर, कभी आपने उनकी सभा या मीटिंग, इंटरेक्शन? जी, उनकी सभा हमने कई बार सुनी है, और वो बहुत ही बेहतर बोलते थे, और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता बहुत ही दिल से काम करते थे, और मैं आज इस दुख की घड़ी में उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। बहुत कर्मठ और बहुत मेहनती नेता थे, जो पूरा देश आज उनके लिए। आप कहाँ से आए? माखो से, मैं बवाना विधानसभा से आया हूँ, मीडिया जिले में, मीडिया से जुड़े। तो अक्सर जब वर्कशॉप लेते होंगे तो क्या कहते होंगे, किस तरीके से आप उन यादों को ताज़ा करना चाहेंगे? वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगे रहते थे। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग हैं, आए हैं जी। ये वही बीजेपी मुख्यालय है, नया बीजेपी मुख्यालय पिछले 1.5-2 सालों से बनाया, पहली बार यहाँ पर अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया, जब वो किसी अहम यहाँ पर कमेटी में यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन जो योगदान उन्होंने इस पूरी पार्टी के लिए दिया, और खासकर संगठन के लिए, वो यहाँ पर इस तरीके से कार्यकर्ता या आगंतुक यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं, और हर एक कार्यकर्ता अलग अलग बिल्कुल सीख लिया जा रहा है, और बड़ी तादाद में आज उनके कामों को याद करते हुए लोग यहाँ नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जब बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लेकिन जब उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, उनके वो काम भी सभी की आंखों के सामने होंगे, जब सरकार पर, बीजेपी पर हमला होता था, और एक ऐसा ही लम्हा था जब सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था, विपक्षी पार्टियों ने उन्हें घेरा, लेकिन किस तरह के अकाट तर्क अरुण जेटली ने दुनिया के सामने रखे, उस भाषण का अंश भी आप सुनिए। कि हर देश में जो सरकार बनती है, वो सरकार यही कहती है कि देश में हर सरकार यही कहती है कि पिछली सरकार मुझे ऋण में छोड़ गई। जितने भी अभी नए हाल ही 5 राज्यों के चुनाव हुए, हर मुख्यमंत्री की यह समस्या स्वाभाविक रहती है। और अगर यह टैक्स नॉन कंप्लायंस
ये केवल केंद्र की समस्या नहीं है, राज्यों की भी समस्या है। तो इस व्यवस्था को अगर ठीक करना है और इसको दूर करना है तो क्या क्या रास्ते हम लोग अपना सकते हैं। और एक स्वाभाविक परिस्थिति थी कि देश की जीडीपी का 12.2% हिस्सा कैश करेंसी में हो, पूरे दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं है। उसमें से 86% हाई डिनोमिनेशनल करेंसी में हो। और स्वाभाविक है कि जब कैश की व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था कैश के आधार पर ज्यादा घूमती है, तो जो समस्याएं कैश पैदा कर सकता है वो स्वाभाविक रूप से वो पैदा करेगा। फर्स्ट टू रिएक्शंस, जो पहले दो रिएक्शंस आए, मुझे रामगोपाल जी का भी भाषण याद है कि उन्होंने पहले दिन भाषण में हमें कहा था उत्तर प्रदेश के गांव में मत जाना, लोग आपको ढूंढेंगे। अब वो मतदाताओं को ढूंढ रहे थे इस बार। तो पॉलिटिकल असेसमेंट भी जो आपका था, इसका लाभ किसको होता है इस इवेजन का? इवेजन करने वाले तो 1 या 2% लोग हैं, और ये पैसा जो सरकार के खजाने में आता है वो गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसलिए उस गरीब आदमी को जब इसका लाभ मिलेगा, अगर सरकारी खजाना बढ़ता है, हम रोज यह मांग करते हैं अब कहा गया कि लोन वेवर कर दो, देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा खर्चो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा खर्चो। तो इसलिए अगर जो सरकार कानूनी तौर पर लेजिटिमेट तरीके से सरकार का जो अधिकार है पैसा लेने का, उस पैसे लेने को टैक्सेशन के रूप में प्रयास करती है, और कई उद्योग हैं, अब रियल एस्टेट में भी आज जैसे जब से कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ है, बड़े शहरों में बड़ी कंपनियां हैं जहां जो एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रही हैं। एक समय हम फिल्म इंडस्ट्री का सुनते थे, एक प्रकार से पिछले कुछ सालों में लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस की तरफ पूरी कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद वो उद्योग गया है। और इसलिए एक एक अगर उद्योग उस दिशा में जाता है तो कोई भी राजनीतिक दल केवल अपने हित को सोचने के लिए, और मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से कांग्रेस के हमारे मित्र, कि क्या आपका जो आकलन था एग्जैजरेटेड था? हर व्यवस्था के बारे में कह दिया कि वो व्यापार 70% लूट गया, वो 80% लूट गया। हमें नवंबर के दिसंबर के जब रेवेन्यू के आंकड़े आए तो वो तो सामने नजर नहीं आ रहा था। एनिकडोटल एविडेंस कैन बी एनिकडोटल एंड अनरियल, बट रेवेन्यू टारगेट्स आर रियल। जो एक्साइज का पैसा भरता है मैन्युफैक्चर पे, जो खरीदारी के बाद वैट का पैसा भरता है, वो तो रियल होता है। जो कहानी और किस्सों के आधार पे होता है वो तो कई बार बनावटी भी होता है। अरुण जेटली की वो अकाट्य तर्क थे जिसे विपक्ष भी शायद ही कभी भुला पाए, और कई लोग ऐसी ही यादों के साथ आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और उनके साथ कुछ बीजेपी नेता भी। अमित, कैसे वो याद कर रहे हैं? प्रशांत, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, ये सांसद भी हैं और आरएसएस के थिंक टैंक भी हैं। और सर, जेटली जी तमाम, अभी हम उनका भाषण सुन रहे थे, तो वो उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में उस वक्त अकाट्य तर्क दिए। उन्होंने कहा कि भाई हमने जो कदम लिया है, चाहे जीएसटी चाहे नोटबंदी को लेकर, वो ठीक लिया। आप अपनी कुछ यादें उनसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं जब छात्र संघ के अध्यक्ष का दिल्ली विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ रहा था, तब अरुण जेटली जी दिन प्रतिदिन हमारी कैंपेनिंग कैसे हो कॉलेजों में, ये ध्यान रखते थे। और जब मैं राज्यसभा में आया तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि राज्यसभा में परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, उनकी क्या उम्मीदें हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ उनके बारे में कि जेटली जी एक ऐसे नेता हैं जो स्थानीय और वैश्विक, यानी लोकल और ग्लोबल दोनों को जोड़कर देखते थे। उनके पास यदि एक भाषाई कार्यकर्ता पहुँचता था और एक इंग्लिश एलीट पहुँचता था, दोनों के प्रति वो सहज भाव से उसी रूप में प्रस्तुत आते थे। इसका कारण था कि एक तो विचारधारा में गुथे हुए थे और अनुशासन उनका एक चरित्र था। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ।
1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था चार पार्टियों को मिलाकर, और जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य होना एक बहुत प्रतिष्ठा का विषय था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे और विद्यार्थी परिषद ने यह अपेक्षा रखी कि उनका उसका कोई नेता सक्रिय राजनीति में नहीं जाए। जयप्रकाश नारायण जी ने उनका नाम राष्ट्रीय कार्य समिति में दिया था, लेकिन विद्यार्थी परिषद की अपेक्षा के अनुकूल उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति से अपने आप को अलग कर लिया। तो जीवन पर्यंत पारदर्शिता के साथ और बौद्धिकता और तर्क, तथ्य और तर्क का उपयोग करते हुए उन्होंने संसदीय जनतंत्र के विमर्श को बहुत ही ऊंचा करने का काम किया। कमलेश सर, हम इसीलिए यही देखते हैं कि जो विवाद है, विवाद अक्सर जेटली जी को तो नहीं छू सकते, चाहे वकालत का उनका पेशा हो, चाहे सांसद का हो, चाहे एक बेहतर मैनेजर का। देखिए, वो एक श्रेष्ठतम प्रतिभाशाली राजनेता थे। जिस क्षेत्र में थे वहाँ पर उन्होंने श्रेष्ठता स्थापित किया, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो। उनकी रुचि क्रिकेट में थी, फिल्मों में थी, और उनके ज्ञान का अटूट भंडार हुआ था। एक और सांसद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आप महाराष्ट्र, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। ये बताइए, जेटली जी के साथ क्या सबसे अहम चीज़ है जो आपने सीखी है बतौर सांसद और नेता होने के नाते? जेटली जी राज्यसभा के नेता थे और मैं उसी राज्यसभा में बीजेपी का व्हिप, तो हर रोज उनके साथ मीटिंग होती रही, और उनकी सोच देश के हित में और समाज के हित में जो चिंतन था वो लाजवाब था। सर, एक इंसिडेंट ये है कि पिछले 3-4 सालों से उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा था। हम एज ए जर्नलिस्ट भी रहते थे और आप राजनेता भी थे, तो कैसे वो इस सिचुएशन को डील करते हुए कैसे तमाम मुद्दे को, चाहे वित्त मंत्री की जिम्मेदारी हो या फिर रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी हो या फिर सदन के नेता की जिम्मेदारी हो, वो निभाते थे? आप साझा करिए। ये उनकी खासियत थी कि उनकी तबीयत की कुछ कारण थे, फिर भी वो उजागर नहीं करते थे, उसके परे होके समाज का चिंतन हो या सभागृह में बहस हो, उनका जो आर्गुमेंट होता था इतना बेहतरीन था कि कांग्रेस ने जो भी मुद्दे उठाए होते थे उनके सामने। पर्सनल एक्सपीरियंस आप साझा करिए। मैंने तो देखा कि एक बार एक हाउस में कांग्रेस और विपक्ष दल नारेबाजी करता रहा, और उस वक्त उनके खिलाफ मैं भी नारेबाजी करता रहा था। तब जेटली जी ने रामविलास पासवान जी से कहा कि पासवान जी, देखो हमारा दलित लीडर कैसा लड़ रहा है। तो एक कार्यकर्ता को लीडर के नाते से देखना और उनको प्रमोट करने की जो उनकी मंशा थी वो बहुत अच्छी। और ये अपनी अपनी तरह से यादों को साझा करते हुए और नम आंखों से आज अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए।